आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम वीवीए के थ्रू परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमने बताया आपको कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं वीवीए में, लेकिन अगर आपको कोई कैलकुलेशन जो एक्सेल की कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको आप वीवीए के थ्रू करना चाहें तो कैसे करें, ठीक है? हम आपको कुछ एग्जांपल देंगे, बाकी कुछ एग्जांपल आपको खुद तैयार करना है। जैसे कि पहला एग्जांपल है कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें हमें ग्रोथ निकालना है। ग्रोथ का फॉर्मूला कहता है लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। देखिए इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा। ये हमारा मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो कि हम एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला का फॉर्मेटिंग देंगे, लेकिन ये हम वीवी के थ्रू कैसे परफॉर्म करेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आप सामने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया। अनिल जी, अंशित, अतीश जी, हेलो। यस सर, यस सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ चलिए तो स्टार्ट करें सर। तो विजुअल बेसिक में मॉड्यूल्स में आते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं हमारा, और फिलहाल तो मेरे पास एक रो है, लेकिन हो सकते हैं बहुत सारे हो, तो मैं कुछ ना कुछ कर देता हूँ, काफी सारे। तो हम इसके लिए हम लूप लगाते हैं, तो फोर आई इक्वल टू से टू टू, और हम ऑटोमेटिक कर देते हैं, मतलब कि डायनेमिक कर देते हैं कि एड इसका कितना हो, 65,000 डॉट एंड, और यहां आपका एक्सेलस अप डॉट रो। उसके पे हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल कि डिम क्वार्टर वन कॉमा क्वार्टर टू एज ए लॉन्ग, और फिर वापस डिम रिजल्ट मतलब कि ग्रोथ जी आर एज ए डबल, क्योंकि इस पे परसेंटेज निकलेगा इसलिए डेसिमल में होगा, इसलिए इसको डबल लगते हैं। ओके अब मैं यहां पे देता हूं कि क्वार्टर वन इक्वल टू रेंज ए की जगह पे इसके साथ हमने आई को कंबाइन किया और डॉट वैल्यू, और क्वार्टर टू इक्वल टू हम वापस देते हैं रेंज बी ए की जगह पे यहां पे बी, और इसके साथ हम कंबाइन करते हैं आई डॉट वैल्यू, और फिर यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि जी आर क्वार्टर यहां पे ब्रैकेट में कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन। ओके सर, और फिर हम यहां पे रेंज सी के साथ हमने आई को कंबाइन किया डॉट, माफ कीजिएगा, वैल्यू इज इक्वल टू
याद करते हैं। लेकिन इसमें परसेंटेज का फॉर्मेट भी देना है हमें, तो यहां पे हम लेते हैं इसको वापस कंबाइन करते हैं और लिखते हैं डॉट डॉट नंबर फॉर्मेट इज इक्वल टू 0.00। समझ में आया? कोई डाउट इसमें आपको? नहीं सर। अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते ही आप देख रहे हैं कि यहां पे परसेंटेज का फॉर्मेट है सर। अब अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल इसी में देते हैं। एक तो हमने कर लिया यहां पे, तो इस तरह से मैथमेटिकल फंक्शन को हम करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे ये क्यों किया, डिफाइन क्यों किया हम डायरेक्ट जो जहाँ पे क्वार्टर वन है वहाँ पे हम क्वार्टर टू की जो वैल्यू है जो क्वार्टर वन की यहाँ पे सॉरी मार्क वन ट्वेंटी वन क्वार्टर वन करना था ना, हम यहाँ पे क्वार्टर वन की जगह पे क्वार्टर वन की वैल्यू भी दे सकते थे ना सर, क्या डायरेक्ट भी कर सकते थे इसका क्वेश्चन। अब इसमें तो जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन ये है कि यहां पे हमारे पास मान लीजिए प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम, मुझे यहां पे अमाउंट निकालना है। तीन चार ही करते हैं, ये हमारा डेटा है। अब मुझे यहां पे मान निकालना है, इसके दो चीज है। पहला यहाँ पे हम पहला करते हैं सब्जेक्ट आ रहा, हाँ नहीं इसमें तो दूसरा होगा ना, यहाँ पे ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई क्या। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर ने लॉन्ग करते हैं लॉन्ग और आर नहीं होगा सर, इसमें रेट नहीं होगा, क्या करता है तीनों कर ही देते हैं, डबल ही कर देते, क्या दिक्कत है उसमें। हालांकि आप अलग अलग करेंगे, अगर आपको बड़ा मैक्रो होगा तो छोटे मैक्रो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अमाउंट यहाँ पे अमाउंट भी देंगे तो दिक्कत नहीं है, कॉमा यहाँ पे लगाते हैं लूप। यहाँ पे जो हमने ये जो फंडा यहाँ दिया था इसे फंडा यहाँ भी रखेंगे। अब यहाँ पे हम p इक्वल टू कमांड दिया था इसी को लेते हैं। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को कि नहीं? ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा। यहां पे लिखते हैं अमाउंट इज इक्वल टू, अब यहां हमारे पास ऑलरेडी PMT का फॉर्मूला है तो हम PMT का फॉर्मूला लगा देंगे। PMT नहीं FB होगा ना सर, फ्यूचर वैल्यू चाहिए ना हमें। का फॉर्मूला है रेट एज ए डबल तो आर डिवाइड बाई 100 होगा, टाइम मल्टीप्लाई नहीं टाइम मल्टीप्लाई बाई 12, 100 नहीं होगा सर 12 होगा, माफ कीजिएगा। कॉमा पीएमटी नहीं है, पीवी है, प्रेजेंट वैल्यू पी,
और इसको हमें लोड कहां करना है, तो इक्वल टू स्पेस एबीसी डी के ऊपर। तो मैं इसको अप्लाई करूंगा, आर्ग्यूमेंट नॉट ऑप्शनल, रेट डाल ही दिया मैंने, टाइम डाल ही दिया, पीएमटी को हमने स्पेस छोड़ देते, जीरो कर देते, पीवीपी आपका पी। तो यहां पे आपके सामने रिकॉर्ड रिजल्ट और ये हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, यहाँ पे अमाउंट होना चाहिए था अभी माइनस में आता है सर, तो इसको आप अमाउंट को एबीएस में कर देते हैं, एबीएस। ठीक है सर, एबीएस क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है, क्योंकि आपका माइनस में ही आता है, क्या बोलते हैं, पीएमटी का रिजल्ट, फाइनेंशियल फॉर्मूला के रिजल्ट माइनस में ही आता है, इसलिए। ओके, ये हो गया सर। अब क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर पीएमटी फॉर्मूला, पीवी फॉर्मूला ना यूज करता तो क्या, तो चलिए फ्यूचर फॉर्मूला है जो कि फॉर्मूला है जो कि बीवीए का सपोर्ट करता है। एक मिनट, डी ABS amount absolute value ABC ABC और B में है, सही है सर। थर्ड रेंज में वो गलत लग रहा है ना शायद, टी टी नहीं ऊपर, हाँ टी होना चाहिए ना, हाँ सी हाँ। बोला गलत क्यों आ रहा है, ठीक है अब इसको करते हैं, अब सही आ रहा है। यहां पे एक तो हमने पीवी के जरिए ले लिया, अब मैं पीवी के जरिए ना लेता लूंगा, अब मैं लूंगा किसके जरिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो अमाउंट इज इक्वल टू, मैथमेटिकल फंक्शन क्या कहता है, मैथमेटिकल फंक्शन कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आर डिवाइड बाई एन। क्या है कि आपका कैलकुलेशन मंथली है, क्वार्टरली है, हाफली है या ईयरली है, टी पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी पी मल्टीप्लाई बाई by 12, ठीक है, पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाय n, ओके समझ में आया कि नहीं सर। अब n जो है वो n कितना है, n हमारा 12 है, तो p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन मतलब कि 12 पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई 12, राइट समझ गए सर। अब चलिए अब इसको रन करते हैं सीआई को,
रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है सर। अब यहां पे एक चीज देखिए जी, ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि हमने बताया कि हमने वेरिएबल्स को क्यों डिफाइन किया, क्योंकि लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल ही पढ़ाया था। तो वेरिएबल यहाँ पे चलो आपकी सिंगल लाइन की कैलकुलेशन थी, दो तीन बार यूज किया हुआ तो कॉपी पेस्ट कर देंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि इसमें अगर मैं ये वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करता तो कंफ्यूजन होती ना सर, क्या बोल रहे सर? हेलो यस सर, रिप्लाई तो दीजिए, जोश आता है। सर, एक तरीका दे दिए, एक तो तरीका ठीक है चलिए कि आपको कैलकुलेशन में बेनिफिट आता है, पर हम लोग सर क्या कोई बात नहीं सर, हम ऐसे भी कर सकते हैं, उतना कंफ्यूजन नहीं होती है। अब अगला एग्जांपल है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसका बेनिफिट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगला जो कैलकुलेशन है हमारा वो है एमआरपी का। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट है कि जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट के हमारे पास कॉस्ट दिए गए हैं। मान लीजिए हम प्रोडक्ट भी दे देते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट और यहाँ पे मुझे इसकी एम आर पी निकालनी है, ठीक है? और प्रोडक्ट में की लगेगा सर, ठीक है? मुझे इसकी एम आर पी निकालनी है। एम आर पी का कैलकुलेशन क्या कहता है कि एम आर पी जो है पहले मैन्युफैक्चर क्या करता है कि अपनी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट पे 5% का कमीशन लेके डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि उस पे 10% का कमीशन लेके होलसेलर को दे देता है, एंड होलसेलर क्या करता है कि उसमें वो 15% का कमीशन लेके रिटेलर को देता है, रिटेलर 20% का कमीशन लेके इसको कंज्यूमर को देता है। तो कंज्यूमर प्राइस दे एमआरपी प्राइस। तो चलिए इसी को हम कैलकुलेट करते हैं, इसको भी हम पहले डिफाइन करेंगे कि डिम एमआरपी, ये मुझे एमआरपी का नाम से एमआरपी कॉमा कॉस्ट एज ए डबल, और सेम लूप वही लगेगा। और यहां पे मुझे कॉस्ट कॉस्ट इक्वल टू हमें लेना है बी के, यहां से बी ये भूल लेता हूं फॉर्मूला तेरा काम। ठीक है, एंड एम आर पी इज, एम आर पी इज का मुझे 5% निकालना है, 0.5% परसेंट का सैंपल एक्सेप्ट नहीं करता है, प्लस कॉस्ट। ठीक है, ये आपकी स्टेज वन हो गई, क्योंकि इसने मैन्युफैक्चरर कॉस्ट को निकाल लिया। तो मैन्युफैक्चर कॉस्ट कहाँ है? एमआरपी के ऊपर लोड है। अगेन एमआरपी इज मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस निकालना है, तो यहां पर हो जाएगा ब्रैकेट में एमआरपी मल्टीप्लाई बाय 0.10 मतलब कि 10% और इसी तरह इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ये हमारा 15% हो जाएगा, ये हमारा 20% हो जाएगा। अब मैं यहां पे इक्वल टू है सर। अब यहां पे देखिए कि एक कैलकुलेशन होने के बाद दूसरी कैलकुलेशन होल्ड हो रही है, देख रहे हैं सर? तो इसको बगैर वेरिएबल्स के हम नहीं कर सकते थे। यहां पे ये आपके सारे यहां पे आ गए,
तो मैन्युफैक्चर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक कोड मैं आपको भेज देता हूं, आपको इसकी रेफरेंस में लेके मुझे 10 मैथमेटिकल फॉर्मूला को वीवीए में शूट करके बताएं, ठीक है? मेल करा हूं आपको लोगों का, ठीक है? और एक आ गया आपका अनिल यादव, मिलते हैं कल सेम टाइम।